की कमिटमेंट उनके साथ करोगे तो 100% वो फेल नहीं होगा, वो आप फेल हो जाओगे। और यहाँ पे हमने ये सिलसिला रोक दिया, और ये सिलसिला रोकने के कारण लोगों ने सही बोलना शुरू कर दिया। और सही बोलने से क्या होगा, पहले तो शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, कम से कम 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन 4 महीने दिक्कत होने के बाद आज इतना आसान हो गया कि आज ज्वाइनिंग किधर किधर से आती पता नहीं, बराबर है कि नहीं। दूसरी चीज, हमने लोगों को यही चीज बोला था, सिर्फ मेहनत करो पैसा तो आने वाला है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, बराबर है। लोगों ने वही सुना, मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, और आज उसका नतीजा ये है कि हर हफ्ता अचीवर्स पे अचीवर्स निकलते जा रहे, बराबर है कि नहीं है। अचीवर्स पे अचीवर्स निकलते जा रहे, इसका रीजन एक है कि आज हमने जो सही पायदान पहला रखा था उसी पायदान से लोग चल रहे। और एक बात देख लो, हमने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं लगता हूँ आपके जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला, लेकिन मैंने एक ही काम किया नेकी से और ईमानदारी से, कि मैंने सोच बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसान गरीब है तो उसकी कर्म के वजह से नहीं, उसकी सोच के वजह से गरीब है। कोई इंसान अमीर बना तो उसके कर्म के वजह से नहीं, उसकी सोच के वजह से वो अमीर बना। क्यों? कि पैदा होना, कहाँ पैदा होना है, क्या पैदा होना है, ये हमारे नसीब में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, जिंदगी कहां से कहां लेके जाना है कि हमारे नसीब में नहीं, हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, बराबर है ना। हमने लोगों की सोच बदल दी, और सोच बदल देने के कारण लोगों के कर्म बदलना शुरू हो गए, और कर्म बदलते बदलते रिजल्ट आपके सामने है कि अचीवर्स से अचीवर्स निकलना शुरू हो गए, बराबर है। बाकी देखो, आज SLPS AWPL इतना आगे हमारे सिटीज में बढ़ रहा है, आजू बाजू में बढ़ रहा है, इसका नतीजा एक ही है कि हमने एटीट्यूड बदलना शुरू कर दिया। आज तक हमारा एटीट्यूड ये था, हमारी सोच ये थी कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें आगे बढ़ना नहीं है, बराबर है। हम निगेटिव माहौल में रहते थे, निगेटिव सोच में रहते थे, और सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में हैमरिंग चलता था, वो निगेटिव सोच का चलता था। हमने एक ही चीज बोला, यदि दुनिया में कोई इंसान है जिसके लाइफ में परिवर्तन हो सकता है तो वो एक ही इंसान हो, और वो आप। ये सोच जब हम डालने में सक्सेसफुल हो गए, आज लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम भी डायमंड बन सकते, हम भी एम्बेसिडर बन सकते, और जो चाहे वो हम कर सकते हैं। आज देखो इसका नतीजा हो गया कि जो लोग छोटा बड़ा काम करते थे, छोटा बड़ा काम करने वाले की सोच इतनी बड़ी कर दी कि वो आज 4-व्हीलर में आने के लिए रेडी, बराबर 4-व्हीलर में आ रहे हैं आज छोटी सोच वाले लोग। मुझे बताओ, आज यदि उन लोगों की सोच में नहीं बदलता, खाली सपने दिखाता, तो क्या सपने पूरे होते? सपने तो आज तक आपने बहुत सारे देखे हुए, लेकिन सपने देखने के बाद इंडस्ट्री भी बहुत सारे आपने ज्वाइन करके यहाँ पे आए हो, लेकिन क्या वो इंडस्ट्री में आपके सपने पूरे हो सके? नहीं। फिर आप रिटर्न आए, बराबर, यहाँ पे मैंने एक ही किया, सपने तो दिखाए लेकिन सोच भी बदल डाली, और दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, और एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट लाना शुरू कर दिया, बराबर ना। धीरे 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 सोच बदले की लोग बोलते हैं सब बहुत दुनिया निगेटिव है, बराबर है ना। तो देखो, हर निगेटिव चीज के पीछे पॉजिटिव तो चीज जरूर होती है। आज दुनिया निगेटिव है करके आपका रिकॉग्निशन सेलिब्रेशन हो रहा है, आम बात है क्या? नहीं है। यदि पूरी दुनिया पॉजिटिव होती तो कहीं भी फॉर्म भर लेती, कहीं भी चिपक जाते उधर, और बिजनेस कर लेते, रिकॉग्निशन सेलिब्रेशन मान सम्मान मिलने का कोई चांस रहता क्या? दुनिया निगेटिव है करके आपको मान सम्मान मिल रहा है, बराबर है कि नहीं है। तो मान सम्मान भी जरूरी है कि नहीं? इसके लिए जरूरी है हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच बदलना। जब तक हम हमारी सोच नहीं बदलते तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और एक चीज सबसे मेन है कि इंसान कभी खुद की सोच खुद नहीं बदल सकता। बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम डाल दिया, हर बार सेमिनार के साथ हमने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को पता है आपके आके बैठेंगे। मुझे पता है आप लोगों को जितना भी प्लान दिया गया ना, 1% भी आपके दिमाग में नहीं आया क्या? नहीं आया। लेकिन मुझे यही चीज पता थी, आज मेरा एक्सपीरियंस, मैं अनुभव के साथ बोलता हूं
कि लोगों को प्लान पहले दिन समझ में नहीं आता। खाली एक ही अमाउंट आपके दिमाग में गया होगा 1.5 लाख रुपए, इसके ऊपर कुछ भी दिमाग में नहीं गया होगा। और आपके दिमाग में एक चीज आई होंगी कि 1.5 लाख रुपए तो मेरे लिए है, किसी बाजू वाले की हो सकते बराबर, क्योंकि 1.5 लाख रुपए कमाना हमारी बस की बात नहीं है बराबर। मुझे ये चीज पहले ही दिन ध्यान में आ गई कि लोगों की सोच बड़ी करना पड़ेगा, लोगों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये 1.5 लाख रुपए हमारे हैं, हम भी ले सकते हैं। ये सोच को बढ़ाया, लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, हम खाली आम जिंदगी जीने के लिए नहीं आए, तो हम भी एक खास जिंदगी जी सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जिस परिस्थिति जी एडजस्टमेंट की जिंदगी में हम जी रहे हैं, वो एडजस्टमेंट की जिंदगी से हम बाहर आ सकते बराबर है कि नहीं है। तो ये सोच के साथ हमने एटीट्यूड बदलना शुरू कर दिया। आज AWPL का कोई भी बंदा हो, आज उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, 10 लोग उसको निगेटिव बातें क्यों ना करते बराबर है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि नहीं यार ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन बढ़ेगा, कितना क्या होगा, इनकम कितना आएगा, क्या होगा। लोगों ने दिखा दिया, देखो मेरे 10,000 आए, मेरे 20,000 आए, मेरे 50,000 आए। आज 1 साल के भीतर हमने 5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक लोगों को पूरा इनकम कमा के दिया बराबर कि नहीं। और जहां पे रिजल्ट है कि नहीं, वहां पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, सवाल नहीं। क्या हमने खाली लोगों को बातें सुनाई, हमने खाली बातें नहीं सुनाई, तो हमने प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे ये हो सकता है। हमने टारगेट लिया था पिछले साल कि हम 50 लोगों को अचीवर्स निकालेंगे, एक ही साल के भीतर हमने 70 अचीवर्स को निकाला। एक लखपति का टारगेट लेके चले थे, 2-2 लखपति अपने बिजनेस से यहाँ पे अपने क्रिएट किए, और इस साल कितने लोगों की तादाद लगेंगे तो बोल ही नहीं सकते बराबर है कि नहीं है। क्योंकि आज हमने काम करना शुरू किया लोगों के माइंड के साथ, और इनको ये बोल दिया कि देखो आज तक हमारी सोच थी कि हम इतना इतना उड़ सकते, इसके ऊपर उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने बताया कि आप चाहो उतना आप उड़ सकते हो, सिर्फ आपके हौसलों में जान होना चाहिए बराबर है कि नहीं। क्योंकि हम हौसले खो चुके थे, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वही बताते आई थी, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, हम ऐसे नहीं बन सकते, हम वैसे नहीं बन सकते। लेकिन आज देखो हमने वो सोच को बदला, तो आज जिंदगी बदलना शुरू हो गई। देखिए एक बात जरूर है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं तो उसी के ऊपर हमारा प्लानिंग चलता है कि नहीं चलता। आज तक हमने घर बनाया तो क्या पहले दिन आते बराबर प्लॉट के ऊपर चढ़ाना चालू कर दे कि दीवारें नहीं, हमारी सोच थी मेरे को घर बनाना है, और उसी घर के लिए हमने क्या किया, पहले तो जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद इंजीनियर के हाथों हमने प्लान डिजाइन किया कि सर हमको घर ऐसा ऐसा चाहिए, इतना किचन चाहिए, इतना बेडरूम चाहिए, इतना डाइनिंग रूम चाहिए, यहाँ पे हमारा ये रहेगा, वहां पे हमारा वो रहेगा, इस हिसाब से हमने डिजाइनिंग किया। डिजाइनिंग जब हमने किया तो सफिशियंट पैसे हमारे पास था क्या? पूरा पैसा हमारे पास था? नहीं था, सिर्फ हमारे पास क्या थी, हमारी सोच बराबर। फिर हमने एक काम किया कि हमारी सोच तो बन गई, अब मुकाम हासिल करना है, हमने पैसे को एकजुट करना शुरू कर दिया और हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो हमारा सपनों का जो महल था वो धीरे धीरे हमारी सोच की वजह से हकीकत में उतर गया बराबर है कि नहीं है। आज लाख रुपए की प्रॉपर्टी हमारी बन गई, क्यों? पैसे की वजह से नहीं बनी, वो सोच की वजह से बनी। आज इंसान के पास पैसा होगा लेकिन सोच नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने एक ही बात सोची कि हमें लोगों में एक ही बात करना पड़ेगा, पैसा है चाहे नहीं है लेकिन सोच बड़ा किया ना, तो एक दिन जितना मांगोगे उतना पैसा आपके अकाउंट में।